जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पटवारी भर्ती 2024। जी हां दोस्तों, पटवारी भर्ती का नोटिस आ चुका है साथियों। सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। पद कितने हैं, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ एकदम आसान और सरल भाषा में। जिले अनुसार पद जारी कर दिए गए हैं साथियों, लिस्ट जारी हो चुकी है कितने कितने जिलों में कितने कितने पद हैं, ये सारी की सारी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। सारी की सारी सूची जारी कर दी गई है। सीईटी से होगी या सीईटी से नहीं होगी, कौन सी सीईटी से होने वाली है, सीईटी कब तक होने वाली है, सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है जिसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती 2024, पटवार खाली पद 2791, 2791 खाली पद चल रहे हैं। पहले साथियों कितने थे, 2998 पद, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब 2791 पद रिक्त चल रहे हैं। भर्ती की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है दोस्तों, यानी कि वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है भर्ती की। जिले अनुसार पदों की सूची भी जारी कर दी गई है कि भाई इस जिले में इतने खाली पद हैं, वो सूची भी आपको जारी कर दी गई है, वो सूची भी आपको मिल जाएगी। 1% भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी जानकारी दे रहे हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब फटाफट से इसकी सारी चीजें देखने वाले हैं। अच्छा अब देखो, ऑनलाइन आवेदन कमिंग सून है भाई, ऐसे मत सोचना कि सब आवेदन शुरू हो चुके हैं क्या, नहीं, अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं दोस्तों। अभी तो इसकी एक सूचना आई है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वित्तीय स्वीकृति तो जारी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है कि इतने खाली पदों पर भर्ती करवाओ साहब, तो वो तो होने वाली है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सूचना दे देंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे। सीईटी से होगी या नहीं होगी, तो ये पहले बता दूं, ये जो भर्ती है पटवारी की, ये आपकी सीईटी से ही होने वाली है दोस्तों। और सीईटी भी कौन से लेवल की, स्नातक लेवल की, ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से ही ये भर्ती होने वाली है। कोई भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहता है तो स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए, और स्नातक की सीईटी अगर आपने पास की है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अब सीईटी में 15 गुणा को लेते हैं, या जिसने 40% बना दी उसको ले लेते हैं, तो वो एक अलग बात है साथियों, उसका जो सूचना मिलेगी तो ही आपको बता पाएंगे। अगर ऐसा करती है सरकार कि भाई सीईटी में जो 40% बना देगा, वो फिर जो भी भर्ती सीईटी में आती है उसको वो आराम से फॉर्म भर पाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है, ठीक है। सब 40% बढ़ाओ और अपने भर्ती में हिस्सा लो। और अगर वो 15 गुणा की लिस्ट जारी करते हैं तब तो फिर वो 15 गुणा को ही बुलाएंगे, बाकी को नहीं बुलाएंगे। तो ये चर्चा हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी सूचना नहीं है। इसकी सूचना जैसे ही आएगी तो हम आपको साझा जरूर करेंगे दोस्तों। रही बात इस नोटिफिकेशन की, तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। तो सभी भाई बहन टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही है जो कि सारी भर्तियों की खबरें होती है, नोटिफिकेशन होता है जो टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, जिसको आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो सभी भाई बहन टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें ताकि आपको फटाफट वहां पर न्यूज मिल जाए। पटवारी के पद हैं 1963 पदों पर यह वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है साथियों। अब भर्ती कितने पदों पर होगी, राजस्व मंडल पटवार भर्ती रिक्त पद तो है 2791, लेकिन भर्ती 1963 पदों पर स्वीकृति जारी की गई है। 1963 पदों पर यह भर्ती होने वाली है साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल जी।
अब इसमें योग्यता होनी चाहिए स्नातक आल सब्जेक्ट, यानी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीईटी 2024 में आपको शामिल किया गया है साथियों। अब सीईटी 2024 होगी, अब होने वाली है सीईटी 2024 परीक्षा स्नातक वाली, उसको आपको पास करना है और फिर आपको इस पटवारी भर्ती में शामिल होना है। वेतन 21,000 से 35,000 है। अब सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा साथियों? तो ये आपको मिल जाएगा अगस्त सितंबर 2024 में आपकी नोटिफिकेशन या एग्जाम जो भी हो वो करवा दिया जाएगा, सीईटी 2024 वाला। ठीक है साहब, पटवार भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा? जून जुलाई 2024 में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। ठीक है, जैसे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा सीईटी उसके तुरंत बाद में करवा दी जाएगी, और जो भी सीईटी में पास होगा महीने भर के अंदर रिजल्ट जारी कर देते हैं, जो भी सीईटी में पास होगा वो फिर इस पटवारी भर्ती में आवेदन कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेकिन ये भर्ती स्नातक की सीईटी से ही होगी साथियों, ये कन्फर्म है। कन्फर्म इसलिए है कि राजस्व मंडल पटवार भर्ती है जो सीईटी 2024 से होगी, और स्नातक की सीईटी आपने दी होगी तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। इसलिए पहले तो क्या होता था, बहुत भाई बहन ऐसे भी सोचते थे कि अरे क्या सीईटी देंगे, रहने दो ऐसे ही है ये तो। लेकिन अब उनको आभास हुआ है कि सीईटी सरकार ने लागू कर दी है साथियों। तो कुछ भाई बहन तो वैसे ही रह गए थे, कुछ भाई कन्फ्यूजन में थे कि दे कि नहीं दे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब सभी को सीईटी देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। स्नातक की सीईटी जो भी भाई बहन देंगे उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अन्यथा फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। उसमें भी फॉर्म में भी नंबर मांगे जाते हैं सीईटी के, वो नंबर आपको लगाने पड़ेंगे तब जाके आपका फॉर्म भर पाएगा। अच्छा जी, अब देखो स्नातक की सीईटी इसी से ये भर्ती होगी पटवारी की। यह खबर डॉक्टर भागचंद बघाल ने दी थी, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं ये। डॉक्टर भागचंद्र बघाल कौन है साहब? ये कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं। इन्होंने ये सूचना दी थी, बहुत पहले दे दी थी, कि जो पटवार भर्ती आने वाली है वो स्नातक सीईटी 2024 से होगी। तो अब आपकी सीईटी होने वाली है, उसमें आप फॉर्म भर देना। जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको सूचना दे देंगे, फिर आप उसमें फॉर्म भर देना। सीईटी की तैयारी दबा के करो भाई, खींच करके लग जाओ, और सीईटी में वही सिलेबस आने वाला है जो आपके पटवारी में आने वाला है, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी स्नातक वाली सीईटी है और ये पटवार भर्ती भी स्नातक की है साथियों। इसमें कोई भी 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाएगा, फॉर्म वही भर पाएगा जो पूरा स्नातक कंप्लीट होगी और स्नातक वाली सीईटी भी उसने पास कर रखी होगी, वही इसमें आवेदन कर पाएगा। वैसे कोई भी 12वीं पास इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, और कोई स्नातक भी है लेकिन सीईटी नहीं दे पाया तो भी वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सीईटी की तैयारी भी दबा के करनी है और आपको पटवारी की भी तैयारी अच्छे प्रकार से करनी है साथियों, फिर आप इसमें आराम से हिस्सा लो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अभी इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जैसे ही इनका नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई भी सूचना हमें मिलेगी हम फौरन आपको सूचित कर देंगे। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।